सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है। जैसे कि दोस्तों मेरे चैनल में मैं ऑडियो एम्पलीफायर के बारे में बात करता रहता हूँ, तो इसलिए आपके सामने और एक एम्पलीफायर बोर्ड लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये 50 वाट आरएमएस आउटपुट करने वाला एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, जिसमें स्टीरियो बोर्ड है दोस्तों, और इसमें से आप 25+25 वाट करके आरएमएस आउटपुट ले सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें TDA 7265 का IC लगा हुआ है। 7265 का जो बोर्ड है वो 12 से लेकर 24 वोल्ट तक अगर पावर सप्लाई इनपुट करते हो तो ये बोर्ड रन होता है। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें 24 वोल्ट आप मत दीजिए, क्योंकि इसका पावर सप्लाई उतने अच्छी क्वालिटी से नहीं किया गया है। और इधर देख सकते हैं पावर कैपेसिटर के लिए 1000 माइक्रोफेरड और 25 वोल्ट का केल्ट्रॉन का कैपेसिटर दोनों लगा हुआ है। और इधर आपको एक पावर सप्लाई छोटा सा बना दिया गया है, पर दोस्तों यहाँ पर जब आप पावर सप्लाई इनपुट करते हो तो आपको प्योर DC ही इनपुट करना होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर आपको 12 वोल्ट देना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो फिल्टर करने के लिए बहुत सारे कुछ तो नहीं लगा हुआ है, पर जितना भी है काफ़ी है दोस्तों। और इसको चलाने के लिए आपको एक बेस्टेबल बोर्ड की ज़रूरत होता है। जैसे कि आप देखे ही होंगे 4440 का जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें बेस्टेबल अलग से मिल जाता है आपको इनबिल्ट, तो इसमें कोई बेस्टेबल बोर्ड वगैरह कुछ नहीं दिए गए हैं, तो आपको यूज़ करना है अलग से। और देख सकते हैं मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, तो इसका प्राइस लगभग 600 रुपया तक मुझे खर्च करना पड़ा है। और अगर आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन का। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ICs है, IC में कोई हीट सिंक वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो जब भी आप ये ऑडियो बोर्ड परचेस कर रहे हो तो हीट सिंक इसमें लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों ये AV कलेक्शन का एम्पलीफायर बोर्ड है, तो इसमें हीट सिंक की बहुत ही ज़रूरत होता है, तो वरना ये हीट होकर ख़राब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं कोशिश करूंगा इसके सेकंड पार्ट बनाने की और आपको इसका म्यूज़िक टेस्ट भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एम्पलीफायर बोर्ड का वीडियो मैं अक्सर बनाता रहता हूं, तो एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में और ICs के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह और एक नए वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।